लगभग 20-25 दिन पहले एक्सपो मार्ट में एक यूरो एक्सपो था, वहां पे सीपी शर्मा जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि एक अवार्ड फंक्शन रखना है, आपकी उपस्थिति जरूर चाहिए। तो मैंने उस दिन भी कहा, मैं कहा ये डिपार्टमेंट तो राकेश भाई का है, तो मेरी उपस्थिति तो नहीं भी होगी तो भी काम चल जाएगा। लेकिन सीपी शर्मा जी छोटे भाई के नाते प्यार करते हैं, उन्होंने कहा नहीं आपको आना होगा। मैं 5 दिन से अपने क्षेत्र में था, लेकिन आज उनका आग्रह था तो मैं सुबह चल के यहां पहुंचा। लेकिन यहां पर आकर के दो सुखद अनुभूति हुई। पहली अनुभूति इस बात की कि 2017 से पहले, 18 मार्च 2017 से पहले इस नोएडा को लोग हे दृष्टि से देखते थे। राजनीतिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, राजनीतिक क्षेत्र के लोग नोएडा को ऐसे देखते थे कि नोएडा गए तो हमारी जो दायित्व हमें राजनीति के नाते मिला है ये हमारी कुर्सी चली जाए। कोई मुख्यमंत्री नोएडा के अंदर आता नहीं था। मतलब आज के इस युग में भी हम लोग इन धारणाओं में जिए। और मेरे मुख्यमंत्री की मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि जब कह दो कि नोएडा में इतना बड़ा कार्यक्रम है आपको चलना है तो हमसे ये कहते हैं कि रात्रि विश्राम भी वहीं करो, देखता हूं सुबह कुर्सी जाएगी या बचेगी। तो वो धारणा को तोड़ने का काम मेरे मुख्यमंत्री ने किया और उसी का नतीजा है कि 2017 से पहले एक और माहौल था कि आप सब डरते थे उद्योग नया लगाने में, आप सबको डर लगता था एक नया औद्योगिक प्रतिष्ठान यहां खड़ा करने में, जो कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर थी। मेरे मुख्यमंत्री आए और आज हम सीना तान के कहते हैं कि 17 के बाद हमने आप सबको एक भयमुक्त माहौल दिया है और उस भयमुक्त माहौल ने उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाने में यदि सबसे बड़ा योगदान किसी ने दिया है तो मेरे समक्ष बैठे आप सब लोगों के कारण है। और मेरा ये मानना है, मैं भी आपकी जो बुकलेट हमने जिसका अभी यहां पर हम सब ने मिलकर के उसका अवलोकन किया, उसमें भगवान कृष्ण की एक लाइन लिखी हुई है, गीता का एक श्लोक लिखा हुआ है। मैं समझता हूं जो गीता का श्लोक आपने उसमें लिखा है वो श्लोक सबसे ज्यादा आप ही लोगों पर सेट बैठता है। मैं हूं, राकेश भाई हूं, धीरेन्द्र भाई हूं, डाक साहब हूं, हम लोग सामाजिक जीवन में दिनचर्या अलग हो जाती है, 2 घंटे इधर उधर भी चल जाता है। लेकिन आप वो लोग हैं जिनके 2 घंटे के कारण आपको नहीं देश को कई करोड़ का नुकसान होता है। और जब देश को कई करोड़ का नुकसान होता है, जब उसका एक इवेल्युएशन होता है, उसका आकलन हम आर्थिक दृष्टि में करते हैं, अपने देश के आर्थिक विकास दर के सापेक्ष उसकी गणना करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमने भारत का न जाने क्या नुकसान कर दिया। और जब जब भारत का नुकसान हुआ है आर्थिक दृष्टि में हुआ है तो मात्र देश के औद्योगिक इकाइयों के लोगों के अंदर काम करने वाले लोगों को उसका नुकसान नहीं हुआ है, वो नुकसान भारत के आम जनमानस पर भी उसका प्रभाव है। मेरा ये मानना है कि जब हम कहते हैं कि नोएडा आज प्रदेश की आर्थिक राजधानी, और अभी सीपी शर्मा जी ने एक बात कही कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले 2-3 सालों के अंदर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आने वाले 2-3 सालों में नहीं, अप्रैल 2025 में हम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले रनवे पर अपनी उड़ान को टच करेंगे। जनवरी में तो हम लोग शायद ट्रायल रन कर लेंगे उसका। ये प्रदेश इस समय ऐसे हाथ में है, ये देश इस समय ऐसे हाथों में है। एक्चुअली पहले जो सरकारें थी वो क्या करते थे, अपना एक कदम गिनते थे, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री अपने एक कदम के साथ 140 करोड़ देशवासियों के कदम गिनते हैं। ये प्रधानमंत्री के एक कदम के साथ 140 करोड़ देश के कदम चल रहे हैं। उस सोच के लोग इस समय सत्ता में हैं और उस सोच के लोग हैं, तब आज भारत 2004 से 2014 हम लोग आर्थिक विकास की दृष्टि से हम लोग आर्थिक विकास की दृष्टि से 10वें नंबर पे थे और 2014 से 2024 आज हम 5वें नंबर पे। ये चीज सोच का प्रमाण है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जब मेरे देश के प्रधानमंत्री का ये सपना है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को लेके जाए, तब मेरे मुख्यमंत्री ने सपना लिया कि हम उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर लेकर के जाएंगे। और वो पूरा एक चार्ट है जिसके नाते हम बड़े विश्वास के साथ कहते हैं, सरकार का अंग होने के नाते कहते हैं कि हम उसको करके दिखाएंगे, ये भी हमारा विश्वास और संकल्प। और आप सब निर्यातक हैं, आप सब एक्सपोर्टर हैं,
तो मेरा ये मानना है कि मैं जिस जनपद से आता हूं, मेरा मूल जनपद सहारनपुर है। मेरे जिले से बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है वुड कार्विंग का, मेरे जिले से बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है आम का। और जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, एक्सपोर्टर्स की बात करते हैं, लोगों को लगता है कि हमने केवल एक वस्तु, एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब भारत का कोई प्रोडक्ट किसी दूसरे देश में जाकर के वहां पर बिकता है, तो मैं जब वहां हम उस प्रोडक्ट को लेकर के जाते हैं, जो लोग लेकर के जाते हैं, वो मेरे देश की संस्कृति और संस्कार भी उस देश के अंदर कुछ छोड़ करके आते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत सोच। आज आप सबके बीच में आकर एक सुखद अनुभूति हो रही है। राकेश भाई ने बहुत सी टेक्निकल बातें आपके सामने रखी हैं, मैं उतनी मुझे उतनी टेक्निकलिटी में तो नहीं जाना है। मेरे पास पूरा एक हर चीज सरकार की योजनाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश सरकार क्या क्या आप सबके लिए कर रही है, मेरे बड़े भाई राकेश सचान जी का वो विभाग है, वो पूरे विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक चीज का विश्वास दिला सकता हूं आपको, गौतम बुद्ध नगर का प्रभारी मंत्री होने के नाते, और वो विश्वास मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दम पर दिला रहा हूं कि आप सब भारत की पहचान है, और आप सब नोएडा में काम करते हैं तो उत्तर प्रदेश की एक पहचान है। उत्तर प्रदेश की पहचान को विदेशों में स्थापित करने का काम आप लोग कर रहे हैं। आप सबके काम में या आप सबके कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था का कभी कोई अड़चन आएगी तो रात के 12 बजे भी आप मुझे फोन करेंगे तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सब ने इस मंच पर मुझे बुलाया, मुझे सम्मान दिया, मैं हृदय से आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और इस आशा के साथ कि आज जिन लोगों को, जिन हमारे उद्यमियों को आपका एसोसिएशन अवार्ड देने जा रहा है, उस अवार्ड के लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जिनको आज नहीं मिलेगा उनको ये शुभकामनाएं देते हुए कि जीवन में शून्य से पारी शुरू होती है और जब हम वापस 100 पर पहुंचते हैं उसमें भी 2 शून्य लगते हैं, लेकिन उसके सामने लगने वाला 1 वो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। हम शून्य से शिखर की यात्रा करें, अवार्ड महत्वपूर्ण नहीं है, यात्रा महत्वपूर्ण है, और वो यात्रा का पड़ाव शून्य से शिखर तक होना चाहिए, यही मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।